दोस्तों बात करने वाले हैं आरबीएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आरबीएल ने आज सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ दे जी, यहाँ पे दिखाई है डे बाई डे बाउंड भी का यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। एंड आज फिर आप देखेंगे तो 10% के सर्किट में भी टाइम हमें लोक होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ दोस्तों क्वार्टर थ्री की जो डाटा है वो भी हमारे सामने है, और उन्होंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुके हैं। रिजल्ट डेट की बात करो दोस्तों, रिजल्ट डेट कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है नहीं करी है ये हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न ने एफआईडीआई दोनों ने कमाल कर दिया। उनको पता था दोस्तों की बजट आएगा, एंड बजट में वही चीजें हमें देखेंगी। बजट से पहले टाइम भी आप देखेंगे तो बड़े प्लेयर यहाँ पे माल खरीद रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट की भाई रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डेट कंपनी अनाउंस नहीं करी, उससे पहले रिजल्ट का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो आ चुका है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले जो डाटा है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे देखो आज मार्केट में गिरावट थी, मार्केट मंडे के बदले आज दोस्तों खुला है, क्योंकि मंडे को यहाँ पे राम जी है जो उनका जो मंदिर है राम मंदिर, तो दोस्तों उसमें मतलब वहां पे उसका उद्घाटन, उस वजह से दोस्तों यहाँ पे ये चीज आज हमें होते हुए देखने को मिली है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे डाटा की भाई क्या भी हमें नजर आया है, तो पहले दोस्तों देख लीजिए दोस्तों आज ऑलराउंड 5 करोड़ 43 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। एंड एमओवी के टाइम पर पॉजिटिव ऑलराउंड 5 लाख शेयर हमें बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट की भाई पीएनबी के टाइम पे 43 का नजर आ रहा है, ये पी जाएगा दोस्तों 60 के आसपास। रिजल्ट आते ही ये पी फिर से घट जाएगा, और ये पी फिर से दोस्तों 50 के नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी टाइम जो तेजी आ रही है दोस्तों, एक तो ये रेलवे इंफ्रा को लेकर आ रही है, गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रा पर बड़ा फोकस कर रही है, बजट में फिर से धमाका कर सकती है। दूसरा यहाँ पे मजबूत क्वार्टर थ्री के आंकड़े, तो उनका भी यहाँ पे एक आस लगा के बैठा है मार्केट, पर रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर दोनों ही चीजें उल्टी पड़ गई तो फिर ये गया काम से, यहाँ से दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ये चीजें नहीं होगी, 99% दोस्तों चांस है कि बजट में धमाका होने वाला है। एंड ये एफआईडीआई दोनों पागल लिए, यहाँ से स्टॉक को रॉकेट बना दिया इन लोगों ने। अब डाटा यहाँ पे देखो आज की तरह डिलीवरी देखोगे तो 28% माल आज फिर खरीदा गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, बजट से पहले खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ चुकी है बजट से पहले। अब लोग क्या करेंगे, बजट से पहले खरीदेंगे, बजट के बाद बेचेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट है, यही चीज आपको करना है। ऑलराउंड 1.5 करोड़ से आज फिर यहाँ पे खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की मैं बात करूँ दोस्तों तो कम से कम 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आरबीएल के अंदर आ जाता हुआ देखने को मिला है। अब इम्पोर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझो, किसने कितना माल यहाँ पे बाय किया है। यहाँ पे देखो इंट्राडे में तेजी आएगी, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नए बायर ध्यान रखना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अब की बार जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की देख लेना, अगर मौका मिले तो आप वहां पे जो अपना इन्वेस्टमेंट का मौका है वो ढूंढ सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, उससे पहले ये डाटा हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि चार्ट पैटर्न को दोस्तों आप समझो, यहाँ पे कितनी गजब तेजी स्टॉक ने यहाँ पे दिखाई है। पहले देखो धीरे चल रहा था यहाँ पे तेजी, इस बार ये आउट परफॉर्म कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये देखने को मिलेगी दोस्तों कि सपोर्ट अगर लेता है तो यहाँ से रिवर्सल करेगा, गिरावट होगी तो किस लेवल पे तक मिल सकता है ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग नीचे खरीद के बैठे हैं तो वो भी ये सोच रहे हैं कि और क्वांटिटी एड कर ले। अगर गिरावट होती है दोस्तों आपको ये स्टॉक 290 रुपए के आसपास मिलता है, एक बढ़िया मौका फिर से बनेगा, यहाँ पे हम फिर से मौका ढूंढ सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल करके अगेन रिवर्सल दे सकता है। तो जल्दबाजी किसी को नहीं करना है, एंड एक भी शेयर अभी के टाइम बेचने की गलती नहीं करना, जब तक बजट नहीं आता तब तक ये नहीं करना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डाटा क्वार्टर थ्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे कि टाइम बड़ी रैली हमें नजर आ रही है, जो आरएस स्टॉक का पी है वो 45 के आसपास आ चुका है, बुक वैल्यू 37 के स्टॉक जा चुका है 300 पार, डिविडेंड कंपनी पे करती है। एंड यहाँ से चार्ट में आप समझेंगे दोस्तों तो एक अलग ही रूप स्टॉक ने पकड़ी है, देख लो यहाँ से दोस्तों एक बड़ा दोस्तों मतलब यहाँ से रॉकेट बन चुका है, इजीली अगर देखा जाए तो रॉकेट स्टॉक बन चुका है भाई, ऐसी तेजी देख लो आप यहाँ पे एकदम सटीक भाई धमाकेदार तेजी है दोस्तों यहाँ पे। जिन लोगों ने पैसा बनाया उन्हीं के जान पूछो, जिन्होंने 200 स्टॉक भी बाई कर रखे थे ना वो भी भाई एक दिन के अंदर उन्होंने भी 7-7 हजार रुपए कमाए हैं, ओनली फॉर 30 हजार वाला भी 7 हजार कमाए एक दिन के अंदर। यहाँ पे बड़ी रैली हमें नजर आई, इन कंपनी की सीजीआर ग्रोथ भाई देख लो 20% के, तो लॉन्ग टर्म में किसी को डर नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा देख ले दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि प्रमोटर्स का माल वही है, एंड एफआई का डाटा बताऊं तो दोस्तों एफआई 2.32 से 2.59 मतलब ऑलराउंड 0.30% माल इंक्रीज किया है। डीआई की बात करें 5.83 से 6.8 ऑलराउंड दोस्तों इन्होंने भी 0.25% के आसपास माल इंक्रीज किया है। माल किसका गया, माल गया यहाँ पे रिटेलर्स का, तो फिर से बता रहा हूँ भाई बेचना मत, एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक तैयार है, यहाँ पे अभी तो तेजी स्टार्ट हुई है, जैसे बजट आएगा फिर रॉकेट बनेगा, तो जल्दबाजी नहीं।